चलिए तो आज मैं लेकर आई हूँ एक नया वीडियो, और जो वीडियो है वो आपका है सिलेबस से रिलेटेड। और जो सिलेबस है वो है आपका एमपी ग्रुप 2 की जो वैकेंसीज अभी निकली है उससे रिलेटेड। चलिए तो देख लेते हैं हम सिलेबस इसका। तो सबसे पहले इसके पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड है। तो जो पार्ट फर्स्ट होगा वो भी 100 नंबर का होगा, और इसमें टोटल आपके जो हैं वो हैं 7 पार्ट्स हैं, जिसमें आपका सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित, सामान्य तार्किक योग्यता इनकी रीजनिंग, सामान्य विज्ञान और सामान्य कंप्यूटर ज्ञान, ठीक है। इन सबको मिलाकर के आपका जो ऑल ओवर जो ये रहेगा वो 100 नंबर का रहेगा, फर्स्ट पार्ट रहेगा, ठीक है। और सामान्य ज्ञान के अंतर्गत मध्य प्रदेश का जीके ज़्यादा आएगा, और अदर एक तो आ सकते हैं अदर, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित, सामान्य तार्किक योग्यता, सामान्य विज्ञान और सामान्य कंप्यूटर ज्ञान। तो सामान्य ज्ञान से लेकर सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित, सामान्य तार्किक योग्यता, सामान्य विज्ञान छोड़ और सामान्य कंप्यूटर ज्ञान, ये सारे वीडियो आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे। आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, सभी के सेपरेट प्लेलिस्ट है। सामान्य हिंदी में आपको ऑल जो भी ग्रामर टॉपिक वाइज आपको मिल जाएगा, ठीक है। सामान्य अंग्रेजी के भी अभी कुछ टॉपिक बनाने बाकी हैं, बाकी टेंस, नाउन एंड प्रोनाउंस आपको मिल जाएंगे। सामान्य गणित के काफ़ी वीडियोज़ प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं, एंड ट्रिक्स भी हैं जो कि आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होंगे आपके एग्ज़ाम में, ठीक है। तो ये होगा हमारा फर्स्ट पार्ट। देन अब हम सेकंड पार्ट देख लेते हैं, जो कि आपका सब्जेक्ट रिलेटेड होने वाला है। तो प्रश्न खंड व स्नातक स्तर, मतलब जो आपका स्नातक स्तर, और इसमें स्नातक स्तर में जो आपने बीकॉम था, क्योंकि बीकॉम वाले ही से अप्लाई कर सकते हैं। सो बीकॉम में जो आपका रहने वाला सिलेबस आप देख लीजिए, लेखांकन और अंकेक्षण एवं आयकर के लिए आपका लागत एवं प्रबंध लिखे, लागत नियंत्रण एवं लागत प्रक्रिया, लागत लेखांकन, लागत मात्रा लाभ संबंध एवं निर्णय, बजटरी नियंत्रण एवं प्रमाप लागत। सेकंड है आपका अंकेक्षण, अंकेक्षण कार्य की योजना, संपत्तियों एवं दायित्वों का मूल्यांकन एवं सत्यापन, एक सीमित दायित्व वाली कंपनी का अंकेक्षण, अंकेक्षण का प्रतिवेदन, कंप्यूटरीकृत लेखों का अंकेक्षण, लेखों के अंकेक्षण में कंप्यूटरों का अनुप्रयोग। थर्ड है आपका आयकर, व्यक्ति करदाता के कर निर्धारण संबंधी आयकर अधिनियम के प्रावधान, कर मुक्त आय एवं सकल आय से कटौतियां, कर योग्य आय एवं कर दायित्व की गणना। फिर आपका आ जाएगा सेकंड भारतीय संविधान। तो भारतीय संविधान के अंतर्गत आपका नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक, पंचायती राज एवं नगरीय शासन, 73 और 74 संविधान संशोधन का महत्व, मध्य प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था का संगठन एवं कार्य। तो मध्य प्रदेश पंचायती राज से संबंधित भी आपको वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, आप जाकर के देख सकते हैं। फिर आता है आपका लोक प्रशासन। तो लोक प्रशासन में आपका वित्तीय प्रशासन अवधारणा, महत्व, बजट की प्रक्रिया, भूमिका, निष्पादन, बजट, शून्य आधारित बजट, विधि नियंत्रण, अनुमान समिति, लोक उद्यम एंड समिति, लेखा परीक्षण एवं लेखा, भारत का नियंत्रण, महालेखा परीक्षक, लोक प्रशासन में कंप्यूटर की भूमिका, ई गवर्नेंस, ओके। फिर आता है राज्य प्रशासन। तो राज्य प्रशासन में मध्य प्रदेश में प्रशासन पर विधायी एवं वित्तीय नियंत्रण, सकल प्रकरण समिति, लोक लेखा समिति, लोक उद्यम समिति, जिला प्रशासन, कलेक्टर की भूमिका, तहसील एवं तहसीलदार, खंड एवं खंड विकास अधिकारी। स्थानीय प्रशासन में आपकी जो स्थानीय प्रशासन की भूमिका, कमजोर वर्गों के लिए सशक्तिकरण की आवश्यकता, शहरी प्रशासन, मध्य प्रदेश में नगर निगम, नगर पालिकाएं और नगर पंचायत, पंचायती राज्य की जो हैं संस्थाओं की त्रिस्तरीय जो व्यवस्था थी उससे संबंधित प्रश्न, जिला पंचायत, जनपद पंचायत और कार्यपाल अधिकारी, CEO की भूमिका, स्थानीय प्रशासन का नियंत्रण, ओके। तो ये हो गया आपका हिंदी में, और आप चाहें तो यहाँ पर इंग्लिश में भी सिलेबस अवेलेबल है। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट, अकाउंट्स ऑडिट हो गया, इनकम टैक्स रिलेटेड हो गया, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस हो गया, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशंस हो गया, एंड ऑल ओवर ये आपका सिलेबस हो गया, ठीक है। तो ये एमपी ग्रुप का सिलेबस है। सो यहाँ से आप सिलेबस वाइज अपनी तैयारी कर सकते हैं, एंड जो भी टॉपिक्स हैं आपके पार्ट फर्स्ट में वो उससे रिलेटेड सारे वीडियो आप अवेलेबल हैं। आप मेरे चैनल पर जाकर के, प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियोज़ देख सकते हैं, मैथमेटिक्स के, हिंदी के एंड रीजनिंग के भी हैं, सामान्य ज्ञान से रिलेटेड भी हैं, ओके। सो ये था हमारा आज का वीडियो। तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड फॉलो मी इंस्टाग्राम, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग this video।